गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.6। जो हमारे पास 3.6 है हमने उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन राइट कर लिया है। अभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है, बट इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि सब कुछ फ्रैक्शन में दिया है। हमें फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करना है। तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन है दोनों, इनमें जो 1/x और 1/y को कुछ मान लेंगे। हम लिखेंगे लेट 1/x इक्वल्स टू यू माना एंड 1/y इक्वल्स टू वी मान लिया। तो पूरा की पूरा 1/x u आता है और 1/y v आता है। तो जो 1/2u प्लस 1/3v इक्वल्स टू 2, हमारा फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो गया। हम इसी इक्वेशन को फर्दर जब सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6 आएगा। एलसीएम जैसे ही 6 आया तो आ गया 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 2, दैट्स इक्वल्स टू 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 इसी के साथ सॉल्व हो गया। अब हम जो हमारा नेक्स्ट जो इक्वेशन रहता है वो सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास अब जो नेक्स्ट इक्वेशन रह गए हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये था, तो 1/3u प्लस 1/2v इक्वल्स टू 13/6। क्या तो एलसीएम लिया तो ये 6 और ये आ गया 3 × 2 = 6 होता है 2u 3v। 13/6 से 6 कट गया, 2u प्लस 3v इक्वल्स 13। इक्वेशन नंबर 2, हमें अब u और v के वैल्यूज निकालें। तो जो u और v के वैल्यूज हैं वो निकालेंगे अब हम। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वही छोड़ी मैंने और जो सेकंड इक्वेशन है वो छोड़ दिया। तो हमारे पास इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट में 2u दिया है, इसमें 3u दिया है। तो ये वाला इक्वेशन नंबर 1 था और ये वाला इक्वेशन नंबर 2 था। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हमने मल्टीप्लाई किया 1 को 2 से, इक्वेशन ऑफ 1 को 2 से एंड इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ। जब 2 से करूंगा तो सब जगह 2 से हो जाएगा। तो आ गया क्या 6u 4v इक्वल्स टू 24 एंड जो दूसरा आएगा वो आ गया 4u 6u प्लस 9v इक्वल्स टू 30। तो हमने इसी के साथ सब्सट्रैक्ट भी कर दिया था 1 और 2 को, ज्यादा नंबर ही करेंगे। तो अब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आ गया माइनस कट गया 5v बचता है। इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, v की वैल्यू 3 आ गई। v की वैल्यू क्या है 3। जैसे ही v की वैल्यू 3 आई है मुझे 1 में पुट करो चाहे 2 में, दोनों से आंसर निकलेगा। तो वन में पुट कर रहा तो आ गया 3u प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 12, 3u प्लस 6 इक्वल्स टू 12, 3u 6 आ गया, u की वैल्यू 2 आ गई। u की वैल्यू क्या आई 2। जैसे ही u की वैल्यू 2 आई तो अब हमारे पास जो लास्ट में रहता है वो हमने क्या माना था, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 1/x को u माना, 1/x को u और 1/y को v। तो 1/x इक्वल्स टू आ जाएगा 2, तो जो x की वैल्यू आ गई 1/2 और 1/y क्या आ गया 3, तो y इक्वल्स टू 1/3। हमारे दोनों आंसर्स निकल चुके हैं। हमने क्या किया, दोनों आंसर्स निकाल ली। जो इसी के सेम एज इट इज क्वेश्चंस रहते हैं
तो आप लोग खुद करें, हमें क्वेश्चन राइट कर रहा हूं। तो हमारे पास जो किसी का सेकंड पार्ट है वो है बिल्कुल सेम एज इट इज, अंडर रूट एक्स 3 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 2 एंड 4 बाय अंडर रूट एक्स 9 बाय अंडर रूट वाई इक्वल्स टू माइनस 1। इसी का जो थर्ड पार्ट रहता है वो भी कर लें, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 एंड x अपॉन सॉरी 3 ओवर x माइनस 4y इक्वल्स टू 20। हमारे पास दोनों क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो 1 अपॉन अंडर रूट x और 1 अपॉन अंडर रूट y है उसको एक बार u मानेंगे एक बार v मानेंगे, जिसमें 1 अपॉन x को u और y को सिंपली v और सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएंगे। ये होमवर्क रहता है। थैंक यू।